पुलिस ने किशोरी का अपहरण कर 3 साल से फरार चल रहे एक युवक को रायपुर देहरादून से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से किशोरी को भी बरामद किया गया। मामले में पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। आरोपी पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन प्रशांत कुमार ने बताया कि जनवरी 2021 में एक व्यक्ति ने कोतावली में अपनी बेटी की अपहरण किए जाने का मामला दर्ज करवाया था। इसमें विनोद लाल नामक युवक का नाम सामने आया है। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तारी के लिए कई जगह दबिश दी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने युवक के घर की कुर्की भी की। उत्तरकाशी से विनीत कसवाल की रिपोर्ट। देखिए, उत्तरकाशी कोतवाली पुलिस के द्वारा ऑपरेशन प्रहार के भीतर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ पर कोतवाली उत्तरकाशी में 2021 में जनवरी 2021 में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें वादी की तहरीर के आधार पे एक नाबालिग लड़की का घर से बिना बताए जाना बताया गया था। तो उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए कोतवाली द्वारा IPC 363 में अभी पंजीकृत किया गया था, जिसमें विवेचना चल रही थी। और इसमें एक नाम प्रकाश में आया था जो कि विनोद लाल है। इस अभियुक्त का हमने पुलिस द्वारा सुरागसी पतासी जारी करते हुए पूरा प्रयास किया इसको बरामद करने का, परंतु ये लगभग 2.5 वर्ष से फरार चल रहा था। इस अभियोग में पुलिस द्वारा तमामी विवेचनात्मक कार्रवाई जो है धारा 82 धारा 83 कुर्की की गई थी, परंतु इसमें यह बरामद नहीं हुआ था। और इसमें मफरूरी में चार्जशीट भी कोर्ट माने कोर्ट